सारे जहां का दर्द समेट कर जब कुदरत से कुछ ना बन सका तो उसने तुम्हारी ये दो आंखें बना दी। बहुत दर्द बहुत कसी से तुम्हारी नाकों में ये धुन मैंने तुम्हारी तन्हाई की गूंज में सुनी थी। दिल के फासले एहसास से कम होते हैं। भाई बहुत हो गई कॉमेडी की बातें, बहुत हो गई एक्शन की बातें, अब थोड़ा करते हैं हॉरर डर की बातें। देखो मैंने अब मूवी देखी भाई राज, जो कि ये मूवी आई थी 1 फरवरी 2002 में। इनको डायरेक्ट किए थे विक्रम भट्ट, जो कि हॉरर मूवी का मास्टरमाइंड है। देखो ये मूवी उस वक्त ऐसी हॉरर मूवी थी जो कि बॉक्स ऑफिस पे और बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसी हॉरर मूवी पहली थी ये। देखो पहले की मूवी जो होती थी आत्मा या देख लो बंद दरवाज़ा, ये सब में भूत आपको दिखता था कि मतलब के एहसास होता था यार ये तो कोई इंसान ऐसा पहन लिया है और पब्लिक को डरा रहा। मगर राज मूवी से एक नया ही हॉरर पैदा हो गया बॉलीवुड में। इसमें एक आत्मा को देखा है जो कि दिखती नहीं है, जो कि डराती भी है सबको, ऐसा फील कराया विक्रम भट्ट ने बॉलीवुड में। और आज तक ये आत्मा वाली ही मूवी बनती है, बंद दरवाज़ा जैसी मूवी बंद ही हो गया बनना। देखो इसमें डीनो मौर्या थे, बिपाशा बासु, मालिनी शर्मा, आशुतोष राणा। डीनो मौर्या का नाम था आदित्य, संजना बिपाशा बासु, मालिनी शर्मा, आशुतोष राणा प्रोफेसर थे इसमें, जो कि भूत भगाने का काम करते थे। इस मूवी उस वक्त बहुत बड़ी हिट हुई थी बॉक्स ऑफिस पे, बहुत बड़ी। उसके सॉन्ग्स ना ऐसा कमाल किया था, चाहे वो ये शहर अमन का हो जाओ या फिर आपके प्यार में, फिर तुम, मतलब 3-4 सॉन्ग, बहुत सारे सॉन्ग अच्छे थे। देखो ये मूवी मैंने देखी, 2.5 घंटे की मूवी थी, मैं इसका सॉन्ग्स भगाया ही नहीं, पूरी सॉन्ग्स के साथ मूवी देखा, क्योंकि इस मूवी के सॉन्ग्स ना इतना मज़ा आता कि आपको भगाने का दिल करेगा ही नहीं। इसमें डीनो मौर्या का डेब्यू मूवी थी, बिपाशा बसु का सेकेंड मूवी, उससे पहले अजनबी मूवी में काम कर चुकी थी। मालिनी शर्मा का फर्स्ट मूवी थी जो उसके बाद आज तक दिखी नहीं, क्योंकि मूवी की भूतनी थी, बहुत सॉलिड मूवी थी भाई लोग। राज हॉरर मूवी अगर आप आज भी देखोगे तो डर जाओगे, क्या उसका म्यूजिक था, तारीफ करूँगा उसका जो म्यूजिक हो। देखो वो ऊटी का सीन था उसमें, ऊटी एक जो उसका लोकेशन था ना भाई, बहुत मस्त था। ऊटी इतनी खूबसूरत जगह है कि जाहिर सी बात है इतनी खूबसूरत जगह है तो अगर पर्दे में दिखाएगी तो खूबसूरत दिखेगा ही, क्योंकि बहुत खूबसूरत से उसको फोटोग्राफी वगैरह किया गया था मूवी का। डराने की तो इतनी कोशिश किया ना कि फट गई आदमी की। देखो उस वक्त जब आई थी ना 2002 मूवी में, मैं बहुत छोटा था तो लोग राज मूवी देख के आए थे ना, बोले जा देख के आ, खाली मैं सुन लोग बोले ना कि अरे बहुत डरावना मूवी है भाई। मैं डर से नहीं देखा था भाई 2-3 साल तक, मैं वो राज मूवी देखना मांगता ही नहीं था। टीवी पे भी आती थी ना तो मैं डर से नहीं देखता था वो मूवी को। जब मैं 2007-08 में वो मूवी को देखा था भाई, रियली बता रहा हूँ, मैं न्यू मूवी जब रिलीज हुआ था ना मैं देखा ही नहीं था, क्योंकि डर से फटी रहती थी मेरे को। तो 2005 या 2006 में वो मूवी मैं देखा था फिर जाके। उस वक्त तो यहाँ तक कि इतना भी आएगा था कि वो मूवी जो अकेला देगा देखेगा थिएटर में बैठे तो उसको इनाम तक देने के लिए सब तैयार थे। इतना फटी मूवी थी ये, लोग फट जाती थी मूवी देखकर। आज मैं रात को देखा ना मूवी, मेरी खुद फट गई यार, मतलब आज भी वो मूवी देख के फटती ही है इंसान की। इतना डरावना मूवी, जो चिल्लाती है ना यार, वो आवाज़ जो चिल्लाने का आवाज़ था कान में तो गूंजता है वो आवाज़, देखोगे ना 2-3 घंटा तक वो आवाज़ कान में बजते ही रहेगा, चील का आवाज़ हो गया। क्या मूवी था बट यार, बॉलीवुड मूवी थी भाई। हॉरर मूवी अगर 2000 से लेकर 2020 तक अगर हॉरर मूवी बेस्ट निकाली जाए ना तो राज नंबर वन पे है। इसके आगे हॉरर मूवी कभी अच्छी कोई बनेगी नहीं, क्योंकि राज जो कमाल कर दिया ना उसको देख के ही आज इंडस्ट्री में एक से एक हॉरर मूवी बनने लगी है। अब विक्रम भट्ट ने साबित कर दिया कि हॉरर मूवी के मास्टरमाइंड है। अगर आप लोग डरना चाहते हो, देखो बहुत हंस लिए बहुत रो लिए, अब डरो क्योंकि हॉरर मूवी देख के डरो। बस इतना ही, और मैं बोलूँगा आप लोगों को कि आप घर पे ही रहो और घर पे ही रहो। बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।